केथल में आस्था के केंद्र कहे जाने वाले साधुओं के डेरों पर लूट गिरोह की बुरी नजर है, जो गांव के बाहर बने साधु संतों के डेरे को निशाना बना रहे हैं। बदमाश पुलिस की वर्दी में आते हैं और खुद को पुलिस कर्मचारी बताकर पहले डेरे के अंदर घुसते हैं और फिर साधुओं को पीटते हैं और उनको बंधक बनाकर डेरे से ज्वेलरी तथा नकदी लेकर फरार हो जाते हैं। और जाते जाते बदमाश डेरों में लगे CCTV कैमरे तथा DVR भी अपने साथ ले जाते हैं। लखीनाथ, कौन से डेरे से हो? बाबा मनोहरनाथ का डेरा। क्या कुछ वाक्य हुआ रात? रात में 5-6 आदमी आ गए, उन्होंने हम बांध दिए। एक भगत था मेरे दौरे, बांध के मैं तो समाधि में गेर दिया भीतर जी। फिर उस भगत ने लिया, वो भी गेर दिया जी। फिर उन्होंने अपना कमरे में बढ़ के चोरी चारी करी, पीछे पास ले गए, काट के 5,000 रुपये, रेडियो राडियो बूफर बाफर से ले गए। फिर मैंने वो हाथ खोल के कमरे में बंद कर गए, भगत ने बांध के समाधि में गेर गए भीतर, बाहर से कुंडी ला गए। फिर मैंने भीतर से प्लास कर ले, वहाँ मूसड़े मासड़े का नेट नूट खोल के बाहर खोल के फिर वो भगत काटिया बाहर। फिर सवेरे वो फोन पाया हमने बाहर, इंटा में धरिया आया, फिर इन भगतों से फोन कर, फिर इन भगत आए। तो कितने जने थे और कैसी ड्रेस? मारे डेरे में तो 5-6 जने थे, वहाँ मुँह ढक रखे थे और अलग न्यू टोपी पहन रहे थे, कपड़े तो इसतरियाँ पहन रहे थे। नहीं, पुलिस के बता रहे हैं? ना ना, और नहीं, मारे डेरे में थे पुलिस। आपने देखे हैं? भाई वो छोरे देखे भी, अपना न्यू मुंह ढक रखा था और अलग। आते ही क्या बोले आपको? आते तो न्यू बोला, हमने वहाँ रेड मारनी है, तम पूरे वहाँ करे 2 नंबर का धंधा, अफसर बाहर खड़े हैं बोले। अच्छा, मैं तो पेशाब लिखड़ा था बाहर, बाहर वो न्यू बोछ लिया हाथ पीछे करके, न्यू बांध लिया बाहर उड़ाई। अच्छा, बैटरी जंगल में उड़े बाणपुरा। तो क्या कुछ लेके जाते जाते? बस वही ले गए, पीछे ले गए 5,000 रुपये, बूफर बाफर रेडियो राडियो से ले गए। और यहाँ पे जसवंती गांव से नौच गांव के रास्ते में एक डेरा आता है जो कि मेन रोड पे है। तो रात में करीबन 1:30-2 बजे की बता रहे हैं कि उस टाइम पे 4-5 बदमाश यहाँ पे आए और उन्होंने यहाँ पे जो महंत थे उनको थोड़ी मारपीट करके और उनके साथ में उनसे लूटपाट करके ले गए। तो पिछले 5-6 डेरों में लूट हो चुकी है, कोई अपराधी सामने? जी, हमने इसके लिए स्पेशल टीम बना रखी है जो कि इसलिए इन वारदातों पर काम कर रही हैं और हमें उम्मीद है कि हम जल्द से जल्द इन वारदातों को सुलझा लेंगे। 4-5 वारदात अभी हो चुकी हैं और हम इसमें पूरी तरह से लगे हुए हैं और पुलिस को पूरी तरह से उम्मीद है कि जल्द से जल्द इन वारदातों को। कल रात को 2 डेरों में वारदात हुई है, एक यहाँ पे हुई है और एक दो इससे थोड़ा सा आगे जाके दूसरा डेरा है, वहाँ पर वारदात हुई है। कितने रुपये की लूट सर हुई है? अभी तक जो पता चला है कि यहाँ पे 60-65 हज़ार रुपये की लूट हुई है तकरीबन, और आगे दूसरा जो डेरा है वहाँ से 5-7 हज़ार रुपये की लूट हुई है। डेरों को निशाना क्यों बनाया जा रहा है? ये हमें ऐसा लग रहा है कि जितना हमें अभी तक जो जांच कर रहे हैं कि कोई एक गैंग है जो कि सिर्फ डेरों को ही वारदातों को अंजाम दे रहा है और डेरों पे ही फोकस वो कर रहा है और हमारे लिए उसी पे हम दूसरी दिशा में काम कर रहे हैं। जल्द से जल्द उम्मीद है कि जल्द से जल्द टीम बनाई गई है। हमने इसके लिए SIT का गठन किया हुआ है जो कि DSP विवेक चौधरी उस SIT की अध्यक्षता कर रहे हैं, उनकी अध्यक्षता में हमने CIO को लगा रखा है, हमारी थानों की पुलिस जो है उसमें काम कर रही है इसके लिए स्पेशल प्रयास। जल्दी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जी? बिल्कुल, हमें उम्मीद है कि जल्दी इनको गिरफ्तार करें।